So what is up guys, welcome back to Yogi Gamer. So finally the most awaited event of South Asia region jo ki hai PMPl South Asia season 3 wo ho chuka hai finally start. To kafi log yahan pe wait kar rahe the fans kyunki South Asia region ka bahut bada event hai ye 2021 ka pehla event jo ki after PMGC ho raha hai to kafi zyada fan excited the. To hamara PMPl South Asia season 3 hamara start hua hai 23rd of March ko jiska week 1 ka day 1 hamara khatam hua aur kafi interesting matches humko dekhne ko मिले डे वन में. हमारे पांच मैचेस हुए रेंगल और शैनॉक मैप पे, जहां पर दो मैप पे तो हमारा वाटर जोन बना है. मैं बात करूं पीएमपीएल की स्टार्टिंग ऐसी हुई और आपको पता है जहां वाटर जोन बन जाए वहां पे कितनी इंटरेस्टिंग फाइट्स हमको देखने को मिलती है. इसके साथ साथ अगर मैं डे वन की थोड़ी हाईलाइट्स आपको बताऊँ तो नेपाल टीम की डोमिनेशन जो आपको यहाँ पर देखने को मिला है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग डोमिनेशन देखने को मिला हमको नेपाल टीम की तरफ से. यहाँ पर पाँच में से हमारे जो तीन चिकन डिनर है वो नेपाल की टीम लेके गई है. इसके साथ साथ अगर आपको ओवरऑल स्टैंडिंग्स में आपको दिखाऊं, अगर आप नज़र डालेंगे यहाँ पर तो यहाँ पर हमारी टॉप एट में से सेवन टीम्स जो है वो नेपाल रीजन को बिलोंग करती है. स्काईलाइट ले लो आप, इसके बाद आप सेवन सी ई स्पोर्ट ले लो, टी टू के ले लो, पी एन क्रू ले लो आप. यहाँ पे आपको जितनी भी टीम्स दिख रही है यहाँ पर टॉप एट में सेवन टीम्स जो है वो हमारी नेपाल रीजन को बिलोंग कर रही है यहाँ पर. तो आप यहाँ से देख सकते कितना अच्छा डोमिनेट किया है टीम ने यहाँ पर. तो बढ़ते अपने मैचेस की हाईलाइट्स की तरफ. तो हमारा यहाँ पर डे वन का मैच स्टार्ट हुआ था जो मैच नंबर वन खेला गया था इरेंगल मैप में, जहां पे हमारे ग्रुप लड़े थे ए बी एन सी डी. तो इसके बाद जो हमारा ये फाइट हुई हमारे ए बी सी डी ग्रुप की, तो यहां पे सबसे पहले हमको देखने को मिलता है सबसे पहला जो नॉक और फिनिश वो देखने को मिलता है ए वन ई स्पोर्ट के सिनिस्टर की तरफ से, जो उन्होंने कार्नेज ई स्पोर्ट के प्लेयर का निकाला. इसके बाद अगर हम देखें इसके बाद ए वन ई स्पोर्ट वर्सेज इनर्शिया ई स्पोर्ट हो रहा था, जहां पर थर्ड पार्टी करी थी टीम एफ फोर ने जो पाकिस्तान की टीम है, वहां से उन्होंने कुछ किल्स निकाले और ए वन ई स्पोर्ट ने भी कुछ किल्स निकाले और इनर्शिया स्पोर्ट पीएमपीएल 2021 में फर्स्ट एलिमिनेटेड टीम हुई. इसके बाद जब इनकी फाइट हो रही थी यहां पे जियोस ई स्पोर्ट की तरफ से काफी अच्छा गेम प्ले देखने को मिला. उनके एक प्लेयर है जियोल, इनका इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है. इनका एक जो फिनिश देखने को बहुत ही एक्सीलेंट आई क्यू 300 टाइम्स बोलूंगा देखने को मिला, जो उन्होंने कार के अंदर से फिनिश ऑफ किया बैठकर, मतलब वो रिवर के अंदर थे पानी के अंदर उन्होंने फिनिश ऑफ किया. काफी अच्छा गेम प्ले उनकी तरफ से हमको देखने को मिला. इसके बाद अगर हम बात करें यहां पर टी टू के का, जो बहुत यहां पर अच्छा वाला डोमिनेशन देखने को मिला. रिज के पास ही उन्होंने एक एक्वायर कर लिया था एरिया, जहां से उन्होंने पूरी टीम को डोमिनेट किया और 11 किल्स के साथ यहां पर चिकन डिनर निकाला. तो बहुत बड़े यहां पर आप बोल सकते हैं चिकन डिनर निकाला. इसके साथ साथ यहां पर दूसरी जो टीम थी वो भी नेपाल टीम की थी, जिसने फर्स्ट मैच में बहुत अच्छा वाला डोमिनेट किया हाई वोल्टेज की टीम. यहां पर उनके एक प्लेयर एसएससीएन ने 6 किल्स निकाले, तो यहां से आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हो कैसा डोमिनेट कर रही थी हमारी टी टू के और हाई वोल्टेज. और फर्स्ट मैच का जो चिकन डिनर निकाल के गई थी वो निकाल गई थी टीम टी टू के. इसके बाद अगर हम बड़े सेकंड मैच में, तो सेकंड मैच हमारा शैनॉक मैप पे खेला गया था, जहाँ पे हमारी जो इस टीम ने चिकन डिनर निकाला था वो टीम थी इनर्शिया. जी हाँ, सबसे पहले मैच में वो हमारी आउट हुई थी सबसे लास्ट रैंक में, और अगले मैच में उसने कमबैक दिखाया और चिकन डिनर निकाल कर ले गई. इसके साथ साथ अब बात करते हैं हमने थर्ड मैच की. तो थर्ड मैच वन ऑफ द ओपी मैच बोलूँगा, अग्रेसिव डोमिनेशन हर टीम की तरफ से देखने को मिला स्पेशल पीएन क्रू की तरफ से. भाई बहुत ही अच्छा वाला डोमिनेशन मैं बोलूंगा. नेपाल की टीम है, इसमें भी नेपाल की टीम जो चिकन डिनर निकाल के गई है थर्ड मैच में पीएन क्रू. इसके साथ साथ एक बात बोलूंगा यहां पे जियोस ई स्पोर्ट की तरफ से भी जो गेम प्ले देखने को मिला वन ऑफ द ऑसम गेम प्ले, मतलब पीएमजीसी की याद दिला दी अगर जियोस ई स्पोर्ट का गेम प्ले देखूं मैं. यहां पर जियोस ई स्पोर्ट वर्सेज एक्सबी ब्लड हो रहा था और क्या अग्रेसिवली इन्होंने पुश किया है जियोस ई स्पोर्ट ने, मतलब वहां पर इस तरीके का पुश देख के ऐसा लगा कि भाई इस तभी लगता है पता है कि टीम का कि पीएमजीसी में इसका क्या मतलब अपना रहा होगा कि जो इसने टक्कर दी है ए फोर एम और नोवा एक्सक्यूएफ जैसी टीम को. लेकिन यहाँ पर पीएन क्रू काफ़ी ज़्यादा डोमिनेटिंग दिखी और उन्होंने जियोस ई स्पोर्ट से लेके सारी टीम को यहाँ पर ख़त्म किया डेड आई को और जीता और चिकन डिनर निकाल के ले गई. तो फोर्थ मैच बना था हमारा फिर से वाटर जोन. जी हाँ, फोर्थ मैच वाटर जोन बना था, जिस पर चिकन डिनर ले गई थी हमारी सील ई स्पोर्ट. तो यहाँ पर भी अगर बात करूँ टी टू के थर्ड रैंक तक पहुँची थी नेपाल की टीम, तो कहीं ना कहीं अगर जहां पर चिकन डिनर नहीं भी आ रहे थे तो सेकंड थर्ड नंबर पे नेपाल रीजन की टीम रही रही थी डे वन की. अगर मैं बात करूं तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और टीम के लिए क्लाइंब अप करना. जितने भी फैंस हैं बांग्लादेश रीजन या पाकिस्तान रीजन के, वो यहां पर निराश मत होना, मैं फिर से बोलूंगा, क्योंकि ये सिर्फ डे वन हुआ है और डे वन के मुकाबले आप जज नहीं कर सकते हो पूरे के पूरे मैचेस को, क्योंकि एक दिन हुआ है सिर्फ, एक दिन
कुछ नहीं होता है, अगर आप अगले दिन अच्छा परफॉर्म करो तो आप कम बैक कर सकते हो। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर अपने फिफ्थ मैच की, जो कि खेला गया था यहाँ पर इरेंगल मैप में, और जहाँ पर हमारा चिकन डिनर निकाल के गई फिर से नेपाली टीम स्काईलाइट ई स्पोर्ट। अगर बात करें यहाँ पर 15 किल्स के साथ यहाँ पर जो उन्होंने चिकन डिनर निकाला है, 15 किल्स आप यहाँ पर गैस करिए, चरी जोकर, मतलब बहुत एक्सीलेंट यहाँ पर परफॉर्मेंस देखने को मिली चरी की तरफ से। यहाँ पर 7 किल्स निकाले उन्होंने लास्ट मैच में। अगर बात करूँ 7C ई स्पोर्ट वर्सेस हमारा स्काईलाइट, दोनों नेपाली टीम्स आपस में बैटल कर रही थी फाइनल जोन में, जो जिनको फर्स्ट और सेकेंड रैंक के लिए, और वहाँ पर आपका स्काईलाइट ई स्पोर्ट ने अच्छा डोमिनेशन दिखाया क्योंकि उनको PMGC का भी थोड़ा एक्सपीरियंस है मैचेस खेलने का, जिसके बाद उसने डोमिनेशन दिखा के अपना चिकन डिनर निकाला। इसके बाद यहाँ पर मैं आपको बताऊँ तो फाइनल मैच में भी काफ़ी अच्छे हमारे मूवमेंट्स हुए थे। अगर मैं बताऊँ यहाँ पर कार्नेज ई स्पोर्ट वर्सेज वैनम लेजेंड्स का हमको क्लैश देखने को मिला, जहाँ पर लेजेंड्स ने काफ़ी अच्छा डोमिनेशन दिखाया, वाइप आउट करा था कार्नेज को। इसके बाद हमको मल्टीपल फाइट्स देखने को मिली जोन में, चाहे PN क्रू वर्सेज DRS हो, चाहे हमारी वो स्टॉलवर्ड ई स्पोर्ट हो, मतलब हर एक टीम आपस में क्लैश कर रही थी। लास्ट में हमारी तीन टीम बची थी, 7C स्पोर्ट्स, स्काईलाइट एंड हमारी 1952 बांग्लादेश रीजन की टीम। तो यहाँ पर हमारा बहुत ही अच्छा गेम प्ले हमको देखने को मिल रहा है हर एक रीजन की तरफ से। तो ये था हमारा डे वन, जहाँ पे अगर मैं बात करूँ आउट ऑफ 5-3 जो हमारे चिकन डिनर्स थे वो नेपाल रीजन की टीम निकाल के ले गई। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ जिस मैप में उन्होंने आपका चिकन डिनर नहीं भी निकाला नेपाल रीजन ने, वहाँ पर वो सेकंड थर्ड नंबर पर रही। यहाँ से काफ़ी अच्छा पॉइंट्स टेबल पर गैप भी आ जाता है, पर अगर आप अभी पॉइंट्स टेबल देखेंगे अपने तो पॉइंट्स टेबल पर देखो ज़्यादा गैप नहीं है। काफ़ी टीम्स तो ऐसी जिनके 37 पॉइंट है, देखना काफ़ी टीम्स आपको 30 रैंक पर दिखने वाली है। लेकिन शॉकिंग और बोलूँगा एक अच्छी चीज़ नेपाल रीजन के लिए ये थी, उनके फैंस के लिए भी, टॉप 8 में से टॉप 7 टीम्स नेपाल रीजन की है। तो यहाँ से गैस कर सकते हैं आप किस तरीके का ऑफ परफॉर्मेंस रहा इनका वीक वन में। मैं आई गैस कर रहा हूँ कि डे टू में और भी टीम्स लाइक पाकिस्तान रीजन से, बांग्लादेश रीजन से भी, वो भी टफ कॉम्पिटिशन देगी और फील्ड पर आएगी। आपको क्या लगता है और आपकी कौन सी फेवरेट टीम है, आप किसको सपोर्ट कर रहे हो, कमेंट बॉक्स पर हमको ज़रूर बताइएगा। आपको कौन सा पार्ट आज के जो मैच हुआ था उनमें से कौन सा मूवमेंट आपको ज़्यादा बढ़िया लगा, जो मुझसे छूट गया हो आप वो भी बता सकते हो हमको कमेंट बॉक्स में। इसके अलावा देखो अगर आपको PMPl साउथ एशिया सीजन 3 में आपको कुछ भी चीज़ें हैं जो आप शेयर करना चाहते हो आप बता सकते हो। आपको एनालिसिस वीडियो भी बनाने का मैं सोच रहा हूँ, वो भी टीम्स के ऊपर, रोटेशंस के ऊपर, तो आप मेरे को सजेशंस दे सकते हो, आप कमेंट करके बता सकते हो कि क्या क्या चीज़ें हैं, आप किस टीम पे चाहते हो कि आपको एनालिसिस वीडियो बन के आए, क्योंकि इन फ्यूचर काफ़ी ज़्यादा कंटेंट आने वाला है PMPl साउथ एशिया सीजन 3 से रिलेटेड। और आपको मैं एक चीज़ रिमाइंडर दे देता हूँ, ये हमारे लीग फाइनल्स हो रहे हैं, आपको इसमें से लीग में से जो टॉप 16 टीम्स होगी वही वीकली फाइनल्स के लिए क्वालिफाई करेगी। तो कल हमारा लास्ट डे है, तो यहाँ पर टीम्स को बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि वो वहाँ पर अच्छी परफॉर्मेंस दिखाए और क्वालिफाई तभी हो कर पाएगी हमारे वीकली फाइनल्स के लिए, नहीं तो हमारी जो टॉप 40 में से जो 4 टीम्स है वो रह जाने वाली है और वो वीकली फाइनल्स नहीं खेल पाएगी। तो ये चीज़ को यहाँ पर याद रखना, और अभी के लिए इतना ही, होप करते हैं वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। टिल एंड स्टे सेफ।